बैलेंस है, आपका भी राइट बनता है बैलेंस डालने का घर से निकलने से पहले ही। अब ये नहीं होता है कि आप टोल प्लाजा पे तुरंत पहुंचोगे, तुरंत बैलेंस डालोगे। वही तो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है ना। अगर 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 सिस्टम की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे में बैलेंस दिखा रहा है, इनके में बैलेंस नहीं दिखा रहा है, ये बोलते हैं कि कम से कम एक घंटा 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, आने में, तो गलती किसकी हुई, ये सिस्टम की हुई, ठीक है। फास्टैग अगर सरकार दे रही है और वो बोल रही है कि नहीं बाकी तुम SBI से लो या Paytm से लो जाकर, है ना, और वो बोल रहे हैं कि नहीं हम NHI के अकाउंट में एक घंटे बाद देंगे, बंदा अगर रिचार्ज करे यहाँ पे खड़ा रहेगा वो, ठीक है, अकेला। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, वेट यहाँ करता हूँ, ये बोले नहीं आप यहाँ पे रोक नहीं सकते, ठीक है, चलो उनकी बात मैं मान लेता हूँ कि वो रोक नहीं सकते वहाँ पर, है ना। पर बात ये है, इम्पोर्टेंट बात, कि मेरे में दिखा रहा है, मैंने पैसे पे कर दिए हैं, मेरे अकाउंट में दिखा रहा है यहाँ पर करंट बैलेंस है ना। पर यहाँ पर इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो हम ठीक नहीं करेंगे, कोई ठीक नहीं करेगा, सब हाथ उठा देंगे आराम से। और ये बोल रहे हैं कि किसान नेता हो तुम, ये पुलिस वाले गाली वाली देके यहाँ पे बात कर रहा है, वो गवर्नमेंट का ऑफिसर, कहाँ से आ रहे हैं आप, गवर्नमेंट का ऑफिसर वो बात कर रहा है, क्या हुआ। मैं सर टोल स्टाफ से ही हूँ, ये आए, इन्होंने तुरंत बैलेंस डाला, तो अगर आप तुरंत बैलेंस डालते हो टोल प्लाजा पे आके, तो 2-4 मिनट का टाइम लगता है। इन्होंने बोला कि मैं अपनी गाड़ी लाइन पर ही खड़ी करूंगा, तो इनसे बोला कि भैया आप अपनी गाड़ी साइड में लगाओ, ठीक है, और दूसरी गाड़ी वालों को निकलने दो। अब 5 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता है, बस ये बात है। नहीं 45 मिनट का कोई सिस्टम नहीं है कि 45 मिनट नहीं लगेगा। आप बैलेंस करंट में डालोगे तो 5 मिनट लगता है अपडेट होने में। अगर ये बैलेंस डालेंगे तो इनके फोन में तो शो करेगा कि आपके में बैलेंस आ चुका है, फिर सिस्टम में जाने में देर हो रहा है, सिस्टम में जाने में 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट हो गए, कितने देर से खड़ी है, मैं अब इनका चेक करवाएंगे, हो जाएगा। अब आप ये लाइन पे खड़ा करेंगे गाड़ी, तो और लोगों को ही परेशानी होती है, वो लोग हमसे आके बोलते हैं कि भैया आपकी ये क्या व्यवस्थाएं हैं, हमने टैग लगा रखा, हमारी क्या गलती है, तो डबल रिचार्ज करेंगे। और अगर ये टैग नहीं है, अगर लो बैलेंस है, तो आपको यहाँ पे डबल टोल देना पड़ेगा। और जिनकी गाड़ियाँ हैं उनकी गाड़ियों में टैग लगे हुए हैं, थोड़ी सी उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारी गाड़ी है तो हम उससे पहले से ही बैलेंस रख के टोल प्लाजा पे डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, गर्मा गर्मी हो जा रही है, पुलिस का काफी बड़ा रोल है यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। गाड़ी खड़ी तो है लेकिन उससे ट्रैफिक रुक जा रहा है, टेक्निकल ग्लिच हो जा रहे हैं और लोग काफी परेशान हो रहे हैं।